समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले प्रिंस राज को प्रदेश एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रिंस राज को एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने की आधिकारिक घोषणा की। अपने भाई प्रिंस राज के लिए समस्तीपुर में मेहनत करने वाले चिराग ने भरोसा जताया कि प्रिंस पार्टी की प्रदेश इकाई को बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलाएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने पार्टी के कई अन्य नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। पटना से असमत की रिपोर्ट। सबसे पहले मुझे खुशी है कि जिस तरीके से एक बड़ी जीत लोक जनशक्ति पार्टी ने समस्तीपुर लोकसभा में हुए उपचुनाव में हम लोगों ने हासिल की, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा अपने जितने भी एनडीए के हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी वशिष्ठा, सबका मैं धन्यवाद करूंगा, संजय जायसवाल जी, तमाम गठबंधन के हमारे बड़े नेता जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने में हम सबकी मदद की, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम हमारे प्रभारी जिन्होंने दिन रात वहाँ पर मेहनत की, तमाम हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात वहाँ पर मेहनत कर इस लक्ष्य को हासिल किया। साथ ही मैं इसमें श्रेय भी दूंगा हमारे समस्तीपुर के नवनिर्वाचित सांसद मेरे छोटे भाई प्रिंस राज को। प्रिंस ने भी वहाँ पर बहुत मेहनत की। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है, ये कहते हुए खुशी भी है, गर्व भी है, ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को दी जाती है। रिजल्ट आया जो समस्तीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास जो हम पे जताया है उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो जिम्मेवारी उन्होंने हमारे कंधों पे दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे।